नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं अदिति जयपुर से आप सबका स्वागत एक धुन के साथ करना चाहूँगी। वो धुन बंगाली म्यूज़िक पे आधारित है और उस धुन को मेरे गुरुजी चंद्रमोहन भट्ट जी ने कंपोज करा है। सबसे पहले मैं वो धुन आपको सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। धुन थी ये मेरे गुरुजी ने कंपोज करी। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं थिएटर, सितार और सोशियोलॉजी में बीए कर रही हूँ। फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ महारानी कॉलेज से। और इसी के साथ साथ मैं पंडित गिरधारी जी महाराज से कथक सीख रही हूँ। विशारद चल रहा है मेरा। और आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी सितार की शिक्षा पंडित चंद्रमोहन भट्ट जी से प्राप्त की है। अब मैं आपको एक राग सुनाना चाहती हूँ। वो राग तब बजाई जाती है जब आपने कुछ अचीव करा और उस अचीवमेंट की खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए उस राग को बजाते हैं। वो राग जय जयवंती है। और तो मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। Thank you.
कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। सितार सीखते हुए मुझे करीब 2-2.5 साल हुआ है और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो जब मैंने सितार पहली बार हाथ में लिया था ना, तो मुझे लगा था कि ये मेरी हॉबी है, मैं इसे शौकिया बजाऊंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि सितार सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, मेरी पूरी लाइफ है। मतलब अब इसके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। और अब मतलब एक दिन भी अगर मैं रियाज नहीं करती तो मुझे लगता है कि आज क्या अधूरा रह गया। तो सितार जिंदगी है मेरी। मैं अपनी मम्मी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं काफ़ी बीमार रहा करती थी और मम्मी हमेशा मुझे फोर्स करती थी कि नहीं, तू ये भी कर, तू वो भी कर। मम्मी ने मुझे इस संगीत की दुनिया में भेजा है। मैं खुद नहीं गई थी, ये मम्मी ने मुझे भेजा है, तो मैं उन्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। और जब मैं संगीत की दुनिया में आई तो मेरे अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो इसके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मम्मी को, गुरुजी को, सबको। इनके बिना ये सब इनकम्प्लीट था। तो हमने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी जवाहर कला केंद्र में वुमेंस डे पे, तो वो हमारा सबसे यादगार परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि उसमें 11 महिलाओं ने पुरुष राग मालकोस बजाई थी। तो जब हम इस राग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग बजा पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम लोग बजाओगे, तुम लोग बजा सकते हो। उन्होंने इतना मोटिवेट करा कि हम लोगों ने शो में जब परफॉर्मेंस दी तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला सामने से। वो राग हमारे लिए एक चैलेंज हो गया था, उसे प्ले करना और उसे परफॉर्म करना स्टेज पे। तो ये सब गुरुजी के बिना पॉसिबल नहीं था। गुरुजी ने मुझे सिर्फ सितार सिखाया नहीं है, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा है। मतलब अगर मुझसे कभी से कोई मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो ये डांटते हैं कि नहीं, तूने ऐसा क्यों करा। और मुझे ये देख के लगता है कि गुरुजी की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि गुरुजी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाऊँ मैं। अभी मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। Thank you.
कला के इस क्षेत्र में मेरा मतलब जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा था, संगीत के आर्ट के इस दुनिया में कदम रखा था, तो मुझे लगा था कि ये सब है ना एक हॉबी है, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, जैसा भी होगा देखा जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें अपना करियर बनाने का सोचूंगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, यही सब कुछ है, मैं आर्ट में ही आगे जाना चाहती हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस सितार पे है। चलो एक बार वो एक्चुअली वो एकला चलो गा सॉन्ग नहीं है, वो उस पे आधारित एक धुन है जो कि गुरुजी ने खुद कंपोज करी थी, तो मैं वो दोबारा सुनाती हूँ। हमेशा से क्लासिकल म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट रहा है। सब मुझे बोलते हैं कि तुम सॉन्ग्स क्यों नहीं बजाते, और हमेशा क्लासिकल की तरफ ज़्यादा रहा है, और क्लासिकल सॉन्ग्स ही पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक ही पसंद है, तो मैं इसलिए राग बजाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जब मैंने सितार बजाना स्टार्ट करा और मैं धीरे धीरे सीखने लगी, तो सबने मुझे ये कहा, और मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बनी ही सितार के लिए हूँ, और कठिन चीज़ें करने में तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। कोई मुझे ये बोलता है कि तू ये नहीं कर सकती है, तू ये बजाना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे पहले वो बजाना होता है कि जो मेरे लिए मुश्किल है, जिस चीज़ के लिए सब मुझे मना करते हैं, तो सबसे पहले मुझे वही बजाना होता है कि हाँ ठीक है, सबके लिए वो मुश्किल है लेकिन मैं इसे आसान बनाऊंगी। धन्यवाद आपका जन सरोकार मंच का सबसे